इस वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एक मेहरान आप लेंगे कितने की, जब आप ले रहे हैं तो कौन सी मेहरान लें, और उसके बाद पैसे कितने लगेंगे आपके। 1-to-1 टोटल बताने जा रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में सारा का सारा हो जाए, इंजन में, सस्पेंशन में, उसके बाद पेंट में, डेंटिंग में, पेंटिंग में, उसके बाद उसकी क्या कहते हैं छत, ये वो, हर ईच एंड एवरीथिंग का डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत खास है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार गाड़ी ले लो 50,000 में तैयार हो जाएगी, गाड़ी ले लो 1,00,000 में तैयार हो जाएगी। टोटल ये कॉन्सेप्ट गलत है, हमेशा याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काल रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अली हैदर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल अली मोटर्स पर, और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 03475625697। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 03475625697। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी की प्राइस जानने के लिए या स्पेयर पार्ट्स के हवाले से पूछने के लिए कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे मिल जाएगा। आजकल थोड़ी सी सप्लाई कम हुई हुई है स्पेयर पार्ट्स की, तो या फिर दूसरे शहर में बेचना उससे सस्ता पड़ जाता है कि आप अपने शहर से ले लें, तो थोड़े बहुत इशूज चल रहे हैं स्पेयर पार्ट्स को लेकर। लेकिन ये है कि आपको अच्छा गाइड कर सकते हो, स्पेयर पार्ट अच्छा कहाँ से मिलेगा, कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती मिल सकती है, सारी की सारी चीज़ें आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेहरान के ऊपर। देखें, कोई भी बंदा है ना जो कि बाइक चला रहा है, दो पहियों वाली गाड़ी चला रहा है अभी, तो वो चाहता है कि मैं चार पहियों वाली गाड़ी पे आ जाऊं। तो वो जो चार पहियों वाली गाड़ी है ना, सबसे लो रेंज में या तो वो FX टाइप कुछ लेगा तो या फिर मेहरान की तरफ जाएगा। कोई भी बंदा है जब नया नया कोई भी गाड़ी की तलाश में होगा, तो सस्ती मेहरान कैसे ली जाए या फिर पुरानी मेहरान लेके तैयार कैसे की जाए, उस पर कितना खर्चा आता है, कौन कौन से जो है स्टेप्स होते हैं, और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आज सारी की सारी मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिटेल्स निकाल के रखी हुई हैं, दो पेज है मेरे पास, मैंने रेट्स लिए हुए हैं बाकायदा हर चीज़ के, उसके बाद स्टेप्स क्या क्या होंगे, क्योंकि मेरी अपनी वर्कशॉप है ऑटो मास्टर के नाम से, मुख्तलिफ वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूँ। मेरे बड़े भैया अतीक चौहान साहब वो उसको रन करते हैं, मैं भी आई होप सो कि कुछ दिनों में उनके साथ बैठा करूँगा, मज़ीद टाइम दिया करूँगा, वो भी बैठता हूँ लेकिन थोड़े कम टाइम के लिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने पेंटर से पूछी, खुद जाके मैंने रेट्स लिए बहुत सारी चीज़ों के, और काफ़ी रिसर्च के बाद, मैंने एक हफ्ता पूरा लगाया इस रिसर्च में, और इस रिसर्च के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं कि एक मेहरान को अगर आप तैयार कराना चाहते हैं, 1990 मॉडल लेते हैं, 1992 मॉडल लेते हैं, 1980 के कुछ मॉडल्स में आप आ जाएँ, तो एक मेहरान जो है, एक तो वो लेनी किस हाल में चाहिए, ठीक है, कितने की पड़ेगी आपको, उसके बाद टोटल आपने अगर तैयार करानी है 2020 में तो उसमें कितने खराजात आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं यार गाड़ी ले लो 50,000 में तैयार हो जाएगी, गाड़ी ले लो 1,00,000 में तैयार हो जाएगी। टोटल ये कॉन्सेप्ट गलत है, हमेशा याद रखिएगा। 50,000 में 1,00,000 में भी गाड़ी तैयार हो जाती है, लेकिन वो अगर आपने गाड़ी यूज करनी है तो वो 6 मंथ बाद या 3 मंथ बाद ही आप उसमें सारे पैसे दोबारा लगाते रहेंगे। मिसाल के तौर पर आप फर्श लें 1,000 रुपये का, तो आपको क्या लगता है कि आपका 1,000 रुपये का फर्श 2 साल चल जाएगा? इम्पॉसिबल। इसी तरह ही ऐसे सारे के सारे पार्ट्स हैं जो कि अपने प्राइस के साथ साथ ओरिजिनल होने की या फिर उसी क्वालिटी अच्छी या बुरी होने की हैसियत रखते हैं। तो मेहरान तैयार जो है वो कितने में सारी तैयार होती है, क्या मेहरान 50,000 में तैयार होती है या 1,00,000 में तैयार होती है, और जो बंदे मेहरान बनाते हैं उसको टाइम कितना लगता है मेहरान को तैयार करते हुए, ये सारे के सारे सवाल थे कुछ जो कि मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचने चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, A-to-Z मेहरान तैयार करने की आज पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको, इंजन में, सस्पेंशन में, उसके बाद पेंट में, डेंटिंग में, पेंटिंग में, उसके बाद उसकी क्या कहते हैं छत, ये वो, हर ईच एंड एवरीथिंग का डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत खास है, इस वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एक मेहरान आप लेंगे कितने की, जब आप ले रहे हैं तो कौन सी मेहरान लें,
और उसके बाद पैसे कितने लगेंगे आपके, 1-to-1 टोटल बताने जा रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में सारा का सारा हो जाए। पूरी वीडियो देखने के बाद फिर कमेंट करें, फिर कोई आपका क्वेश्चन है तो नीचे नंबर दिया गया 0347-562-5697, आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मेहरान के हवाले से टोटल इन्फॉर्मेशन गाइड करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो कोई भी गाड़ी आप जब तैयार करवाते हैं उसके चार स्टेप होते हैं। पहले नंबर पर आपको डेंटिंग करवानी होती है गाड़ी की, जब आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो जाहिर है उसके ऊपर डेंट्स भी होंगे प्रॉपर, ये वो, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग आती है, उसका मैकेनिकल वर्क आता है, देन आपको इलेक्ट्रिकल काम कराना पड़ेगा जिसमें सारी की सारी वायरिंग आ जाती है, लाइट्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद डेकोर, डेकोर में आपके सीट कवर आ जाते हैं, उसके बाद आप जो अंदर के कार्ड्स होते हैं वो, डैशबोर्ड आ जाता है, इस तरह से काफी सारी चीजें डेकोर में आ जाती हैं, जो कि आप जो जो भी चेंज करना चाहें डेकोरेशन गाड़ी के लिए वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो डेंटिंग है उसके जो हम चार्ज करते हैं अपनी जो है अच्छी क्वालिटी की डेंटिंग की बात करूं और अच्छे क्वालिटी के पेंट की बात भी करूंगा, सबसे पहले जो डेंटिंग वाला होता है वो ऑलमोस्ट 18-20 हज़ार या 18-22 हज़ार की रेंज में आप उसके साथ तय कर लें, 20 कर लें, 21-22, मतलब वो डिपेंड्स ऑन है कि आप किस शहर में रह रहे हैं। अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो काम मजीद सस्ता भी हो सकता है, लेकिन क्वालिटी का ख्याल रखना है, बता रहा हूं, ठीक है, क्वालिटी नीचे नहीं आने देनी। अगर गाड़ी खुद यूज करनी, किसी के लिए भी करनी हो, अल्लाह ताला आपकी नीयत साफ रखे, किसी के लिए भी देनी हो आपने गाड़ी, तो ये इस चीज को बड़ी ईमानदारी, बड़ी दयानदारी के साथ जो है वो शुरू करें काम को। अच्छा जी, डेंटिंग आप ऑलमोस्ट लगा लें 18-20 हज़ार रुपए डेंटिंग आप तय कर लें, ठीक है, जिसको भी आप देने लगे ठेका करें उसके साथ, ठीक है। देन आ जाती है पेंटिंग, गाड़ी की पेंटिंग ऐसे होगी, तो गाड़ी की पेंटिंग के लिए जो खर्च आता है वो भी ऑलमोस्ट आपको 20 हज़ार रुपया ही देने पड़ेंगे, 2K का है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पेंट नीचे आ जाते हैं, तो पेंट काफी ज्यादा, पेंट बहुत सारी वैरायटी है पेंट में, पेंट ऐसा भी है कि आपका 6 मंथ में या 9 मंथ में उसका कलर उड़ जाएगा धूप में खड़े होने से, पानी लगने से, कई दफा है इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो फेड हो जाते हैं कलर। अच्छा पेंट है ना वो ऑलमोस्ट 22-25 हज़ार रुपये में होगा आपका, तो इसकी भी आप 20 हज़ार ही काउंट कर लें वक्ती तौर पर, ठीक है, 20 पेंटिंग के और 20 ही डेंटिंग के, ये आपके हो गए 40 हज़ार, ये सीधे सीधे 40 है बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मैकेनिकल काम, जो कि मेन बॉडी मैकेनिकल नहीं सॉरी हम अभी थोड़े से मेन बॉडी पार्ट्स आपको बता दूं, उसके बाद हम मैकेनिकल काम की तरफ आते हैं। अच्छा, मेन बॉडी पार्ट्स जो है उसके नाम सुना लूंगा और साथ की प्राइस भी बताऊंगा कितनी प्राइस है। फ्रंट बोनट, ठीक है, ये आपको मिलेगा 3200 से लेके आपको 3700 के दरमियान अच्छा बोनट मिल जाएगा। अगर आपने कम कीमत में लेना तो 2500 से 3000 में भी बोनट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा बोनट जो है वो 3200 से 3500 तक या 3600 तक लगा लें आप, ठीक है, और जो नॉर्मल बोनट है वो 2500 से 3000 के दरमियान आपको मिल जाएगा। देन साइड फेंडर आ जाते हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 1900 से लेके 2300 तक, ठीक है, अच्छे, और जो नॉर्मल है वो 800 से लेके 1100 तक आपको मिल जाते हैं साइड फेंडर की बात करो। उसके बाद मुकम्मल छत पिलर समेत वो आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 7300 से लेके 7800 तक अच्छी, ठीक है, 73 से लेके 7 तक आपको मिल जाएगी अच्छी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने नॉर्मल में जाना है तो 6500 से लेके आपको 7000 के दरमियान नॉर्मल भी मिल जाती है, ठीक है, मुकम्मल छत प्लस पिलर, ठीक है। उसके बाद मुकम्मल चार दरवाजे, ये आपको 15000 से लेके 17000 के दरमियान अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने लाफा सिर्फ वायर वाला लेना है तो वो आपको ऑलमोस्ट जो है वो चार लाफे जो है वो मिल जाएंगे 2500 से लेके 3000 के दरमियान, ठीक है, अगर आपने सिर्फ लाफे ही चेंज करने हैं। अगर आपने दरवाजे चेंज करने हैं उसका मैंने आपको बता दिया। डिग्गी उसकी बैक जो है वो सारी डिग्गी की वो ऑलमोस्ट 5500 की मिल जाती है अच्छी, ठीक है, तो वो अच्छी ही यूज करें उसको, ठीक है, क्योंकि उसका लॉक शॉक ये वो उसको आप अच्छा यूज करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर, ये आपको इसकी बड़ी क्वालिटी आती है, ठीक है, आप प्लास्टिक में ले सकते हैं 400 वाला भी, आप 600 वाला ले सकते हैं, 1000 वाला ले सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है। बम्पर तो देख लें आप, बम्पर की वैल्यू काउंट भी नहीं होती गाड़ी सेल करते वक्त, लेकिन ये आपने अपनी मर्जी का यूज करना है बम्पर। बम्पर अगर नई शेप में लेंगे तो वो ऑलमोस्ट 600 से लेके 800 तक अच्छा बम्पर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फर्श, तो फर्श जो है ना वो आपको ऑलमोस्ट जो मिलेगा वो
3000 रुपये का मिलेगा, ठीक है। सामान जो है ना, सामान आपका टोटली जो सामान है वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपये का आपको पड़ेगा, ऑलमोस्ट 50,000 तक आप जाएंगे, उससे ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे नहीं, अगर आपने अच्छी क्वालिटी में तैयार कराना है तो, ठीक है। देन 40,000 हमने उसका ऐड कर लिया और 50,000 रुपये हमने सामान का ऐड कर दिया, ये आपके हो गए 90,000। तो 90,000 याद रखिएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारा मैकेनिकल वर्क सारा, ठीक है। जब भी गाड़ी सबसे पहले जाती है ना मुकम्मल तैयार होने के लिए, वो सबसे पहले मैकेनिक के पास जाती है, वो उसका इंजन निकालता है, चीज़ें खुलता है ना, डेंटर पेंटर के पास उसको तो तैयार होने के लिए भेजते हैं, ठीक है, सारी गाड़ी को। और हाँ एक और चीज़ बता दूँ, सारी गाड़ी तैयार करवाने में आपने कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी, जहाँ भी आपने जल्दबाजी की आपका सारा काम खराब हो जाएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दबाजी जो है किसी भी काम में जो है ना वो आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप समझते हैं, मैकेनिक को दिखा लें इंजन, अगर अच्छा मैकेनिक है तो वो ज़ाहिर अच्छा मशवरा देगा आपको, ठीक है। तो अगर आप सब आपको मैकेनिक समझ जाए कि इसकी ओवरहॉलिंग नहीं होने वाली, इसके पार्ट्स वगैरह नहीं डलेंगे, ये ऐसे ही हो जाएगा, मतलब सर्विस वगैरह सिर्फ इसकी करेंगे तो ये ठीक है इंजन, तो उसका ऑलमोस्ट जो है वो आपको 5,000 रुपये उससे फिक्स कर लें कि जो भी मामला होगा वो उसमें हम तय कर लेते हैं, ठीक है। 5,000 रुपये उसकी मजदूरी तय कर लें, उसकी सर्विस वगैरह ये वो सारा कुछ जो है ना वो इंजन को जरा बेहतरीन ओके कर देगा, ठीक है। उसका सारे मामला देख देगा आपको कि इसमें ये फॉल्ट है या इसको कल को मसला हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आप छोटा मोटा पार्ट चेंज कर लें उसका। लेकिन अगर इंजन अच्छी हालत में नहीं है तो आपने लाजमी उसकी ओवरहॉलिंग करवानी है। ओवरहॉलिंग दो किस्म की है, सबसे पहले अगर आप चले जाएं बिलालगंज या आगे भी चले जाएं तो आपको 17,000 में इंजन मिल जाता है, मेहरान का 17-18,000 में, 20,000 में मिल जाता है, वो सारा का सारा चाइना पार्ट का तैयार हुआ हुआ है, ठीक है। चाइना पार्ट्स के साथ आप खुद भी तैयार करेंगे तो आपको 15-16,000 रुपये में सारा इंजन तैयार ओवरऑल हो जाता है आपका। अगर आप जेन्युइन पार्ट के साथ करना चाह रहे हैं तो 25-30,000 रुपया खर्चा आएगा इंजन की ओवरऑलिंग का। तो ये आप पे डिपेंड्स ऑन है कि आप चाइना पार्ट्स के साथ करवाना चाह रहे हैं या इंजन का रोले खत्म करना चाह रहे हैं जाके 17-18,000 रुपये में बिलालगंज से लेके आना चाह रहे हैं। ये फिर ऑप्शंस हैं बहुत सारे आपके पास कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाह रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये कि अगर आप इंजन ओवरऑल कराना ही है तो ओरिजिनल पार्ट्स के साथ करवाएं ताकि आपको कल को मसला ना आए। कल को आप गाड़ी भी सेल करें तो अगला बंदा भी आपको जो है वो दुआओं के साथ ही याद करे। तो उसके बाद ये चीज़ हो गया, उसमें वो आपको ब्रेक वगैरह की चीज़ें भी देख देगा, मतलब मैकेनिक जो है वो हर चीज़ आपको देख देगा। देन आपकी आ जाती है इसमें सस्पेंशन आप देखेंगे तो सस्पेंशन के बहुत मुख्तलिफ रेट्स हैं सबके, ठीक है। वो आप 2-3 लोगों से ना, जब भी अपने गाड़ी पर मैंने 2-3 लोगों से पूछ लें पहले बाहर कि सस्पेंशन कितने में सारी तैयार होगी या सस्पेंशन का क्या सीन है, तो सस्पेंशन फिर आप तैयार करें। सस्पेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम अच्छे इसके जो है वो कारीगर हैं, ठीक है। सस्पेंशन आपने बहुत अच्छी रखनी है गाड़ी की, ठीक है। अच्छा जी, सस्पेंशन के बाद ये सारा मामला तो हो गया, देन आ जाता है इलेक्ट्रिशियन का काम, ठीक है। हमने पहले किया जनाब डेंटिंग पेंटिंग, उसके बाद हमने किया मैकेनिकल वर्क, उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क गाड़ी का। अब जब गाड़ी थोड़ी तैयार हो जाती है तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो उसमें सबसे पहले 5,000 या 6,000 या 4,000 आप मजदूरी तय कर लें कि यार सारी वायरिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो वो आपसे मजदूरी तय कर लेगा जब 5,000 रुपया या इतने पैसे में, वहाँ 5,000 आप मजदूरी चलती है मैकेनिक उसकी इलेक्ट्रिशियन को, सामान लिख देगा सारा, वायरिंग का सारा सामान आपका आएगा ऑलमोस्ट 8,000 से लेकर 9,000 के दरमियान, अच्छा, ठीक है। उसके उसमें फिर हेडलाइट्स, इशारे, बैकलाइट्स, ये वो चीज़ें जो है सारी आ जाती हैं इसमें, ठीक है। टोटल जो इलेक्ट्रिशियन है, टोटल जो इलेक्ट्रिकल काम है आपका, टोटल मजदूरी इसमें सारा कुछ डाल के वो तकरीबन आपका 20,000 रुपये ये इस पोर्शन का बनता है। आपने 20-25,000 रुपये इस पोर्शन के लिए लगा रखना है, ठीक है। उसके बाद डेकोरेशन आ सकती है, डेकोरेशन आ जाती है। डेकोरेशन में आपका सबसे पहले डैशबोर्ड पोशिश, उसके बाद नीचे मैट वगैरह अगर आपने डालने हैं तो इस तरह की चीज़ें, साइड कार्ड्स, ये वो सारा कुछ, ठीक है, जिस तरह की आप अंदर से तैयार करना चाहते हैं उसके ऊपर स्टिकर वगैरह ये वो सारा कुछ, तो डेकोरेशन के लिए भी आप जो है वो 20,000 रुपया जेन में रखें, ठीक है। अब इसका अगर टोटल करवाना मोटा मोटा मैं, तो मोटा मोटा टोटल बनता है आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपया, ठीक है। 1.5 लाख रुपये में आपकी ये टोटल गाड़ी तैयार होगी। अगर आप समझते हैं 1.5 लाख लगा के, वो भी हाँ इंजन की ओवरहॉलिंग के बगैर 1.5 लाख है, अगर इंजन की ओवरहॉलिंग इसमें ऐड कर लें तो 1,80,000 ऑलमोस्ट 30,000 रुपये उसका डाल लें,
ऑलमोस्ट हाँ इतना 170,000-180,000 रुपये आप जेन में रखें जेन इन पार्ट्स के साथ, ठीक है। टोटल अगर गाड़ी आपने तैयार करानी है 2020 में कन्वर्ट करानी है, अब आप ये सोचें कि हम गाड़ी कितने की उठाएं पीछे से। सबसे पहले भी याद रखें मेहरान में, सबसे पहले आप व्हाइट कलर उठाएं, जब भी लें व्हाइट कलर लें, आपकी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपने देखना है कि शहर कौन सा हो, तो कोशिश करें लाहौर रजिस्टर्ड गाड़ी आपको मिले, सियालकोट रजिस्टर्ड गाड़ी मिले, या आपको इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी मिले, रावलपिंडी भी मिल जाए तो खैर है। मतलब ये जो 4-5 शहर है ना, इनकी फिर सेल हो जाती है गाड़ी। अगर आप गाड़ी ले लें क्या कहते हैं मुल्तान साइड की, या आप गाड़ी ले लें जंग की रजिस्टर्ड, या आप गाड़ी साहिवाल की रजिस्टर्ड, या इस तरह की किसी सिटी की लेंगे ना रजिस्टर्ड, सारे शहर हमारे अपने हैं। बड़ी रिस्पेक्ट है पूरे पाकिस्तान की, रिस्पेक्ट है। मैं अपनी पूरी वीडियो में शुरू में भी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, लेकिन मार्केट के लिहाज से अगर देखें तो इन शहरों की नंबर्स की वक़्त जो है ना वो कम है। तो पुरानी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, अल्लाह का शुक्र है अब तो यूनिवर्सल नंबर लग रहे हैं सबको, यह बड़ी खुशाइन बात है कि यूनिवर्सल नंबर का दौर है। तो अभी जो गाड़ियाँ की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, गाड़ी मुल्तान में खड़ी है, जंग में खड़ी है, साहिवाल में खड़ी है, व्याड़ी में खड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो पहली गाड़ियाँ हैं मेहरान की, जब भी आप गाड़ी लें टोटल कोशिश करें 4 शहर मैंने बताए हैं, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, इन 4 शहरों में से किसी गाड़ी का नंबर लें और वाइट कलर में गाड़ी उठाएं। आप गाड़ी का रेट जो है वो मार्केट में देख लें, आपने किस हालत में गाड़ी है, आपने कितना काम करवाना है उसका। मतलब मेरा जाती हाल ही कि आप 80,000 से लें कि 1,00,000 तक गाड़ी अगर उठाते हैं, 1,00,000 तक गाड़ी अगर उठाते हैं और 1.5 लाख ऊपर भी लगाते हैं आप, वो 2.5 लाख में वो गाड़ी पड़ जाएगी। वो 2.5 लाख में कुछ भी नहीं आता सर। आप नया होंडा लेने जाएं तो मेरा ख्याल है 130+ का तो वो है, ठीक है। तो अगर 2.5 लाख में 4 पहिए आपको मिल जाते हैं, 4 पहियों वाली गाड़ी, तो बेस्ट है। तो ये है कि गाड़ी लेते वक्त मैकेनिक को चेक करवा लें, हाँ, और गाड़ी का काम करवाते वक्त ना कम से कम टाइम 3 मंथ है, ठीक है। ज़रा 5 मंथ में आपको गाड़ी तैयार हो तो लग सकते हैं, तो माइंड में रखें। अगर मैंने अपनी गाड़ी तैयार करवानी हो, मैं अपने सारे लड़के की गाड़ी पर लगा दूँ, तो फिर भी मुझे जो है ना वो टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरी क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, खाली वर्कशॉप ने मेरी गाड़ी तो नहीं ना करनी, ठीक है। तो ये चीज़ें माइंड में रख के फिर चलें आप लोग। बहुत सारे मिसकंसेप्शन से, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे सवाल थे जो मुझे मिलते थे, मैंने कोशिश की है कि आप सबको सारी रिसर्च करके आप सबको जो है वो आंसर करूँ सबके। फिर भी आपके माइंड में, आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो, बिला धड़क मुझे याद करें, बेफिक्र हो गए 0347-562-5697 पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आने वाले जो अभी दिन है मैं काफ़ी फ्री हो गया हूँ, तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टाइप वीडियोस भी मैं कुछ दिन आना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप इस कंटेंट को शुरू करें, या गाड़ियों के हवाले से क्या क्या कंटेंट मैं मजीद ला सकता हूँ। पाकिस्तानी गाड़ी का काम हमने अभी तक नहीं किया, तो कोशिश करूँगा मैं पाकिस्तानी मार्केट को भी टच करूँ और साथ साथ आपको उन गाड़ियों के रिव्यूज़ भी करवाता रहूँ, या फिर जो भी आप चाहते हैं कि इस गाड़ी का रिव्यू आना चाहिए आपके चैनल पर, इस गाड़ी का रिव्यू आना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा मार्केट से उठा के कोई ना कोई गाड़ी आपके सामने जो है वो लाई जाए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें, जीतते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी दुआएं निकलती हैं आपके लिए, दुआओं में याद रखें पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।